हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट क्रिक एग्जाम। तो दोस्तों, आरआरबी जेई डीएमएस सीएमए के लिए दोस्तों जो आरआरबी मुंबई का पैनल आया था उसका दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस लेके आपके सामने आ गया हूँ। उस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों ज्वाइनिंग कब तक होगी, स्टैंड बाई वालों का क्या होगा, और साथ ही साथ दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आरआरबी मुंबई जोन में भी मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क बताया था बिल्कुल दोस्तों वो एक्यूरेट गया है। और दोस्तों बिल्कुल जो होता है कि 100% जो एक्यूरेट बोला जा सकता है उस तरह का एक्यूरेट गया है। तो दोस्तों अगर आपने कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा और आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों आई बटन में, उसमें जाके आप इसको देख सकते हैं कि जो मैंने कट ऑफ बताया था और जो अभी आया है उसमें कितने का आपको डिफरेंस देखने को मिला है। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे स्टैंड बाई वाला वो क्या होगा। दोस्तों स्टैंड बाई कैंडिडेट जो कि हमारा एक कॉमन ग्रुप है जेई का, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको स्टैंड बाई से रिलेटेड आपको अपडेट मिल जाया करेंगी। और इस वीडियो में दोस्तों मैं उन लोगों को भी जवाब दूंगा जो कि ये बोलते हैं कि जेई की जॉब हाई पे ग्रेड की है तो कौन छोड़ेगा कि स्टैंड बाई क्लियर होगी, तो दोस्तों उसका भी जवाब आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जिससे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। वीडियो पसंद आया जिसको लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों वेटिंग वालों के लिए हमने एक अलग से वेटिंग स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखा है जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारी वेटिंग से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो अवेलेबल होंगी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम पैनल को देख लेते हैं। दोस्तों ये पैनल आपने लगभग ने सभी ने देख लिया होगा, कल का ही आया था, थोड़ा सा डिले होने की वजह से, कुछ काम की वजह से मैं इस वीडियो को बनाने में डिले कर रहा हूँ। तो इसको आप दोस्तों देख लीजिएगा, इसमें आप सारी चीज़ें हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट पैनल डिस्कस ना करके पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं किसमें कितनी सीट खाली है अभी भी। तो दोस्तों सिविल के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों टोटल आपकी 6 सीट यहाँ पे सिविल के लिए अभी भी खाली बची हुई हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए अगर टोटल हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे अभी भी आपकी 13 सीटें खाली बची हुई हैं। वहीं दोस्तों एक सीट अगर हम बात कर लेते हैं तो कैटेगरी नंबर 68 में एक सीट है और 69 में आपकी एक सीट खाली बची हुई है। दोस्तों ये टोटल अगर हम बात कर लेते हैं सीटों की तो अभी भी दोस्तों 21 सीट यहाँ पे खाली बची हुई है मुंबई जोन में, जो कि कुछ मेडिकल कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि मेडिकली फिट नहीं पाए, मतलब कोई टेम्प्रेरी अनफिट है, उनके लिए विदहेल्ड पे रखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की जो सीटें हैं वो खाली गई हैं, वो कि ब्लॉक सीटें होती हैं, इस वजह से उसका भी पैनल यहाँ पे नहीं आया है। ये तो बात हो गई दोस्तों सीटों की, अब बात कर लेते हैं कि इनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। दोस्तों ज्वाइनिंग के लिए आपको कम से कम यहाँ पे 30 से 45 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका डिवीजन अलॉटमेंट होगा उसमें भी 15 से 20 दिन लगेंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा और ट्रेनिंग सेंटर बिल्कुल फुल चल रहा है, एएलपी की भी ट्रेनिंग चल रही है, तो इस वजह से आरआरबी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, उसकी ट्रेनिंग कंडक्ट कराने में प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से थोड़ी सी ज्वाइनिंग यहाँ पर डिले हो सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टैंड बाई वालों का क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि ये बोलते आए होंगे कि जेई की पे ग्रेड बहुत ही हाई है, जिसको कौन जॉब ऐसी जॉब छोड़ेगा कि आपकी स्टैंड बाई क्लियर होगी, बिल्कुल नहीं क्लियर होगी, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। तो दोस्तों इस पैनल के थ्रू ही मैं वो जवाब दूंगा कि जो ये लोग बोलते हैं कि जो कोई कौन छोड़ना चाहेगा। तो दोस्तों इस पैनल में आप लास्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टोटल 65 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि डीवी के लिए गए ही नहीं है। तो दोस्तों अगर आप सिंपल दिमाग से लगाइए कि अगर 65% ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो फॉर्म फिलअप किया, एग्जाम दिया बट डीवी के लिए नहीं गए, तो ये आखिर ऐसे कौन से कैंडिडेट है जो इतने बड़े बेवकूफ है कि वो इतनी हाई पे ग्रेड की जॉब छोड़ के डीवी के लिए गए ही नहीं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, इनको उससे भी अच्छी जॉब मिल चुकी होगी, इसी वजह से ये डीवी के लिए नहीं गए होंगे, बाकी और कोई रीजन नहीं हो सकता कि कोई जेई की नौकरी ऐसे ही छोड़ दे। तो वैसे ही दोस्तों अगर ये 6 से 8 महीने या 2 साल में भी आप मान सकते हो कि अगर इनकी 65 कैंडिडेट ऐसे निकले एक जोन में जो कि इस दौरान ही दूसरी जॉब पकड़ ली है, तो दोस्तों जो लोग ज्वाइन किए हैं वो भी ऐसे हैं, पेपर दे रखे हैं, वेट कर रहे हैं जो रिजल्ट का, तो उनका भी रिजल्ट आते हैं वो छोड़ेंगे, तो इस वजह से आपकी वेटिंग क्लियर होगी। ऐसा जो बोलता है कि बिल्कुल नहीं क्लियर होगी वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि 100% क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 100% बोलने के लिए मुझे आपको पुरानी वैकेंसी का प्रूफ देना होगा जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको कलेक्ट करने की, जैसे ही कलेक्ट होगा मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, तो चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी।
और दोस्तों वेटिंग वाले क्लाइंट बिल्कुल भी ना परेशान हो, आप लोग बिल्कुल अपनी मेहनत की वजह से नहीं, अपनी हार्ड लक की वजह से रुके हो, क्योंकि एक नंबर दो नंबर किसी क्यों मेहनत की वजह से नहीं, वो किस्मत की बात हो जाती है कि एक दो नंबर ऊपर नीचे हो गए और नॉर्मलाइजेशन फैक्टर यहाँ पे मैटर कर जाता है, तो वो आप लोगों की मेहनत नहीं है। आप लोग मेहनती हो, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की हो, कोई भी जॉब आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो। पढ़ाई करते रहिए, पेपर देते रहिए, आप लोगों को जॉब मिलेगा, आज नहीं तो कल 100% आपको कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ पे सारी की सारी डाउटें क्लियर हो गई होंगी जो कि यहाँ पे पैनल से आपको क्रिएट हुई थी। और स्टेट बाई कैडेट दोस्तों हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेंगे, सभी जोन के वहाँ पे स्टेट बाई कैडेट हैं, तो आपको वहाँ पे कम्युनिकेशन आसान होगा। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की अपडेट, आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।